हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पर आज हम बात नहीं कर रहे हैं, आज हम कुछ टेक्निकल इश्यूज पर बात करेंगे। इस पर हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया था Realme 7 Pro पर। तो Realme 7 Pro में जो इनबिल्ट कैमरा था उसमें बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि आपको बहुत महंगे फ़ोनों में फिर देखने को मिलते हैं। Realme 7 Pro में जो इनबिल्ट कैमरा है उसकी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप उसमें इन ये जो इस तरीके का माइक होता है एक्सटर्नल माइक अगर लगाकर कोई वीडियो शूट करना चाहते हैं दूर से खड़े होकर तो वो सपोर्ट नहीं करता था। और लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट जो पिछला आया है उसको अपडेट करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और मैं इस वीडियो को भी Realme 7 Pro से ही शूट कर रहा हूँ और ये बताने के लिए कि अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है और इसमें जो ये एक्सटर्नल माइक है वो सपोर्ट भी कर रहा है इसके इनबिल्ट कैमरा के साथ। इसके इनबिल्ट कैमरा में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं जिसमें कि ब्लर बैकग्राउंड करने का ऑप्शन है, साथ ही साथ जो मूवी मोड है वो भी ऑप्शन है। तो अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं इस तरीके के फ़ोन को ख़रीदने के लिए तो आप इसे आराम से ले सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव इससे वीडियो शूट करने का ही है तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इसे ले सकते हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप इसे ज़रूर एक बार एनालाइज ज़रूर करें कि क्या आपकी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है या नहीं। इसमें एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है कि ये बहुत फास्ट चार्ज होता है, बहुत जल्दी। अगर आपने पूरे दिन में अगर इसको यूज़ किया है सिर्फ 15 मिनट आप इसको दीजिए, अगर आपका 20-30% चार्ज है तो ये 15 मिनट में फुल चार्ज फिर से हो जाएगा, उसे आप जल्दी से चार्ज कर सकते हैं। अब व्यूअर्स ये समझ लेते हैं इसकी सेटिंग आपको कैसे करनी है। आपको सीधे फोन की सेटिंग में जाना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहां आपको मिलेगा ये डिफॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर, आप इसको क्लिक करेंगे। अब आपको चूज करना है यहाँ पर एड ऑन, मैंने ऑलरेडी एड ऑन ही चूज कर रखा है, आप इसी को चूज करेंगे। अगर ये ऑटो सेलेक्ट पर है तो यहाँ से हटाकर आप इसको एड ऑन पर लेकर आएंगे और इसके बाद सीधा आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे और अपना जो एक्सटर्नल माइक है आप जब उसे लगाएंगे तो आराम से यूज़ कर पाए। तो मैंने आज इसीलिए इस अपडेट को आपको बताने ज़रूरी समझा क्योंकि इसके लिए पहले भी मैंने ये बताया था कि ये काम नहीं कर रहा है, तो जब आप कर रहा है तो ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है। तो अब अगर कोई भी यूज़र इसको यूज़ करता है या कर रहा है तो अगर उनका एक्सटर्नल माइक इसमें काम पहले नहीं कर रहा था तो एक बार उसको जरूर ट्राई करें। आई होप सो ये बिल्कुल सही से काम करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।